वेलकम बेक समाचारों में आगर बात करिए तो हाल में एक महत्वना समाचार मिली रहा है तेना पर नजर करिए। एसटी बस ना भाड़ा में 25% नो वधारो करवामां आव्यो छे तो महत्वना समाचार मिली रहा छे। वधु एक मार हवे आ सामान्य जनता पर पड़ी रह्यो छे। एसटी बस ना भाड़ा में वधारो करवामां आव्यो छे तो 10 वर्ष पछी एसटी बस ना भाड़ा में वधारो करवामां आव्यो छे। एसटी बस ना भाड़ा में 25% नो वधारो करायो छे। पावी जेतपुर नी एकलव्य ग्रुप ऑफ कॉलेजिस कलाराणी खाते आवेल यूसीसी ने लईने शिक्षण मंत्री कुबेर डिंडोरे महत्वपूर्ण निवेदन आप्यु हतुं। आदिवासीओना हक छीनवाय जवानी केटलाक युवानो तेमज आदिवासी समाजना आगेवानो भ्रम फैलावी रह्या छे ते वात खोटी छे। यूसीसी ने लईने केटलाक राष्ट्र तेमज समाज विरोधी लोको आदिवासीओने गुमराह करवा निकळी पड्या छे। आदिवासीना कोई हक छीनववाना नथी। उल्लेखनीय छे कि आदिवासी समाज ना लोकोए वारंवार आवेदन पत्र आप्या छे तेने लईने यूसीसी ने लई आदिवासी समाज में चर्चा नो विषय बन्यो छे। तमाम क्षेत्रे मारा विद्यार्थीओ आगळ आवी रह्या छे पण केटलाक लोको आजे देश विरोधी छे, राष्ट्र विरोधी छे, समाज विरोधी छे, आदिवासी विकास विरोधी एवा लोको छे जे समाजने गुमराह करवा माटे निकळी पड्या छे। एमने पण मारी विनंती छे कि आजे मोदी साहेबे ज्यारे कॉमन समान सिविल कोडनी जे वात करी छे जे मुद्दो मूक्यो एमां आदिवासी समाजनो एक पण हक एक पण मुद्दो एमां नष्ट थवानो नथी के दूर थवानो नथी पण खोटी खोटा मेसेजो आपीने आदिवासी समाजने गुमराह करवानुं काम केटलाक लोको सोशियल मीडियाना माध्यमथी करी रह्या छे। વડોદરાની એમએસ યુનિવર્સિટીની સિન્ડિકેટ બેઠક પહેલા યુનિવર્સિટીના તમામ સંગઠનો દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો। વર્ષોથી યુનિવર્સિટીમાં કામ કરતા હંગામી કર્મચારીઓ દ્વારા તેઓની માંગ સાથે તમામ સિન્ડિકેટ મેમ્બરને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। યુનિવર્સિટીમાં ચાલતું આઉટસોર્સિંગ હટાવવામાં આવે તેવી માંગ સાથે આવેદન આપવામાં આવ્યું હતું। વર્ષોથી યુનિવર્સિટી કામ કરતા કર્મચારીઓએ પોતાની માંગને લઈને સિન્ડિકેટ મેમ્બર મયંક પટેલને આવેદન પાઠવી ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। साथ ही विविध विद्यार्थी संगठनों द्वारा यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी संगठन की चूंटणी योजवामां आवे तेवी मांग साथे फरी एक वक्त देखाव करवामां आव्यो हतो। सिंडिकेट मेंबरे तमाम ने सांभळीने तेमना प्रश्नों निवारवा तैयारी दाखवी छे। જે રીતે એ લોકો આટલા વર્ષોથી આ યુનિવર્સિટી માટે ફરજ બજાવી રહ્યા છે સંપૂર્ણ સંવેદના અને એમની સાથે સહાનુભૂતિ આ સિન્ડિકેટની જોડાયેલી છે। કોઈ પણ સંજોગોમાં એમની સાથે કોઈ